हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज मैं आप लोगों को ट्यूबिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ। पिछला लेक्चर में हमने पाइपिंग के बारे में बताया था, तो आज ट्यूबिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ। ट्यूबिंग एक्चुअल क्या है? सीमलेस स्टील ट्यूबिंग ऑफर सिग्निफिकेंट एडवांटेज ओवर पाइप और हाइड्रोलिक प्लम्बिंग। ये पाइप के ऊपर में जो इसका एडवांटेज है सीमलेस ट्यूबिंग का, वो प्लम्बिंग से रिलेटेड है। ट्यूबिंग कैन बी क्या क्यों है? ट्यूबिंग कैन बी बेंट इंटू एनी शेप, किसी भी शेप में हम उसको बेंट कर सकते हैं। इजियर टू वर्क, इस पर काम करना आसान है। एंड कैन बी यूज ओवर एंड ओवर विदाउट सीलिंग प्रॉब्लम, बिना सीलिंग प्रॉब्लम के कई बार हम इसको ओवर ऑन ओवर वर्क कर सकते हैं विदाउट सीलिंग प्रॉब्लम। यूजुअली द नंबर ऑफ जॉइंट्स इज रिड्यूस, इसमें क्या जो बेंड बनाते हैं डिफरेंट डिफरेंट साइज के, तो हमारा जॉइंट्स कम हो जाता है। जॉइंट्स जब कम हो जाता है तो उसमें लीकेज ओवर का चांसेस भी कम हो जाते हैं। इन लो वॉल्यूम सिस्टम ट्यूबिंग विल हैंडल हायर प्रेशर एंड फ्लो विथ लेस बल्क ऑफ वेट, क्योंकि पाइप का वेट ज्यादा रहेगा तो उसके तुलना में लेस बल्क ऑफ वेट रहेगा। और लो वॉल्यूम सिस्टम के लिए क्या करेगा? हायर प्रेशर एंड फ्लो विथ लेस बल्क के साथ हैंडल कर सकता है। हाउएवर इट इज मोर एक्सपेंसिव एज द फिटिंग्स रिक्वायर्ड टू मेक ट्यूब कनेक्शन, यह थोड़ा पाइप के रिस्पेक्ट में थोड़ा ज्यादा एक्सपेंस में, क्योंकि इसमें फिटिंग से रिक्वायरमेंट होती है ट्यूब कनेक्ट करने के लिए। ट्यूबिंग्स का साइजेस क्या है? ट्यूबिंग साइज इज स्पेसिफिकली रिफर्स टू द आउटसाइड डायमीटर, जो भी ट्यूब का साइज है आउटसाइड डायमीटर से रिलेटेड है। ट्यूबिंग अवेलेबल 1/16 इंक्रीमेंट फ्रॉम 1/8 इंच टू 1 इंच ओडी। अब 1/8 इंच से लेकर 1 इंच ओडी तक अगर हम पाइप लेंगे तो उसका जो ओडी रहेगा 1/16 इंच से ज्यादा रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1/16 इंच से ज्यादा रहेगा। और 1/8 इंच का अगर हम पाइप बोलते हैं या 1/2 इंच के बोलते हैं, तो जो उसका ओडी रहेगा उसमें 1/16 इंच ऐड कर दीजिए, या 3/8 है तो उसमें 1/16 इंच ऐड कर दीजिए। 1/4 इंच इंक्रीमेंट बियॉन्ड 1 इंच ओडी, ये 1 इंच तक का ही है। 1 इंच के ऊपर वाला ओडी का अगर ट्यूबिंग है तो उसमें 1/4 इंच आपको जोड़ना पड़ेगा। और 1 इंच बोलते हैं तो उसका साइज रहेगा 1/4 इंच, 1/4 इंच बोलते हैं तो उसका साइज रहेगा 1.5 इंच, ओडी 1.5 इंच रहेगा। वेरियस वॉल थिकनेस आर अवेलेबल फॉर ईच साइज, कैसे वेरियस वॉल थिकनेस अवेलेबल है पर्टिकुलर साइज में एज पर शेड्यूल साइज, शेड्यूल के हिसाब से वेरियस साइज अवेलेबल है प्रेशर रेटिंग के हिसाब से। द इन साइड डायमीटर इज लेस देन 2 टाइम्स द ओडी, इफ डी इज द आउटसाइड डायमीटर एंड टी इज द वॉल थिकनेस, देन आई डी इज इक्वल टू डी माइनस 2 डी। अगर हमारा डी ओडी है और वॉल थिकनेस टी है तो जो उसका आईडी होगा डी माइनस 2 टी रहेगा। ट्यूब फिटिंग्स, अब हम आते हैं ट्यूब फिटिंग। ट्यूबिंग इज नेवर सील्ड बाई थ्रेड्स बट बाई वेरियस काइंड्स ऑफ फिटिंग्स ऑन फिगर, जैसा कि हमने पिछला आगे फिगर में दिखा रहा है। ये फिगर थ्रेड फिटिंग्स एंड कनेक्टेड विद ट्यूबिंग्स, डिफरेंट डिफरेंट फिगर्स है जिसमें मैं बाद में आता हूँ। सम ऑफ दिस फिटिंग्स इज सील्ड बाई मेटल टू मेटल कॉन्टेक्ट, मेटल टू मेटल कॉन्टेक्ट में ड्राई सीलिंग टाइप का कॉन्टेक्ट में सीलिंग हो जाता है। दे आर नॉन एज कंप्रेशन फिटिंग, उसको हम कंप्रेशन फिट बोलते हैं। एंड इट मे बी आइदर फ्लेयर टाइप और फ्लेयर, ये दोनों टाइप होते हैं, तो फ्लेयर करके बनाएंगे और फ्लेयर टाइप का भी होगा। अदर्स यूज ओरिंग्स और कंपरेबल सील्स, और अदर क्या होता है उसमें ओरिंग यूज करते हैं और वो जिस ओरिंग से मिलता जुलता कुछ कंपरेबल सील्स यूज करते हैं। इन एडिशन टू थ्रेडेड फिटिंग्स फ्लेज फिटिंग्स आर ऑल्सो अवेलेबल टू बी वेल्डेड टू लार्जर साइज ट्यूब, लार्जर साइज ट्यूबिंग में क्या है कि फ्लेंज फिटिंग्स, थ्रेडेड फिटिंग्स के बाद फ्लेंज फिटिंग्स आर ऑल्सो अवेलेबल टू बी वेल्डेड टू लार्जर साइज, फ्लेंज टाइप का फिटिंग जो तो लार्जर साइज पाइप में हम वेल्ड कर। फ्लेयर फिटिंग 37 डिग्री फ्लेयर फिटिंग इज मोस्ट कॉमन फिटिंग फॉर ट्यूबिंग दैट कैन बी फ्लेयर्ड। फ्लेयर मतलब क्या, पाइप का जो फेस है जहाँ पे हम फ्लेयर कर देते हैं, फ्लेयर में हल्का सा बढ़ा देते हैं और उसमें फेरुल वगैरह डाल देते हैं, फेरुल डाल के उसको फिट करते हैं। द फिटिंग सोन इन ए बी सील बाई स्क्वीजिंग द फ्लेयर्ड एंड ऑफ द ट्यूब अगेंस्ट सील एज द कंप्रेसर नट इज टाइटन। इसमें देखिए ये 37 डिग्री का ये दिखाया, देख रहे हैं ये फ्लेयर कर दिया और एक इसमें फेरुल डाल के इसको हम टाइट करते हैं जैसे ये सील हो जाता है। ये स्टैंडर्ड है, ये इन्वर्टेड है, मतलब उल्टा टाइप का 45 डिग्री फ्लेयर फिटिंग है। स्लीव और एक्सटेंशन ऑफ नट सपोर्ट द ट्यूब टू डैम्प आउट वाइब्रेशन, एक स्लीव रहता है और एक्सटेंशन ऑफ नट्स रहता है जो सपोर्ट करता है वाइब्रेशन को डैम्पिंग करता है। द स्टैंडर्ड 45 डिग्री फ्लेयर फिटिंग इज यूज्ड फॉर वेरी हाई प्रेशर, वेरी हाई प्रेशर में 45 डिग्री स्टैंडर्ड फिटिंग यूज होती है। इट इज ऑल्सो मेड इन एन इन्वर्टेड डिजाइन विद मेल थ्रेड्स ऑन द कंप्रेशन, इन्वर्टेड डिजाइन में यूज होता है, मेल थ्रेड्स ऑन कंप्रेशन, कंप्रेशन थ्रेड पे मेल थ्रेड, कंप्रेशन नट पे मेल थ्रेड। सेकंड, स्लीव और ओरिंग कंप्रेशन फिटिंग फॉर ट्यूबिंग दैट कैन नॉट बी फ्लेयर्ड और सिंपली टू avoid the need of flaring, there are various sleeve or ferrule compression fittings and o-ring compression fitting. The o-ring fittings allows considerable variation in the length and squareness of the tube nut. Now o-ring fitting lagate hain, considerable variations hota hai length and squareness of the tube ke cut mein. A straight thread o-ring connector, when the hydraulic component is equipped with a straight thread, port fittings shown in C can be used. C mein dekhiye yahan pe o-ring lagate hain, o-ring laga ke hum isko tight kar dete hain. It is ideal for high pressure use since the seal become tighter as pressure increases. में क्या होता है कि हम लगा देते हैं तो जैसे प्रेशर आता है जो सील और ज्यादा टाइट हो जाता है। अभी फेरुल कंप्रेशन फिटिंग है, ओरिंग कंप्रेशन फिटिंग है, ये ओरिंग दिखाया हुआ है, स्लीव कंप्रेशन फिटिंग है, स्लीव लगा के ये कंप्रेस किया हुआ। अभी हम आते हैं फ्लेक्सिबल हाउसेस के ऊपर, देखें ट्यूबिंग के अलावा हाइड्रोलिक सिस्टम में फ्लेक्सिबल हाउसेस भी होता है, इसके अपने अलग इंपॉर्टेंस। फ्लेक्सिबल हाउसेस इज यूज्ड व्हेन द हाइड्रोलिक लाइंस आर सब्जेक्ट टू मूवमेंट, जहां पे हाइड्रोलिक लाइन का मूवमेंट आवश्यकता है वहां पे फ्लेक्सिबल हाउस यूज करते हैं। हाउस इज फैब्रिकेटेड इन लेयर्स ऑफ सिंथेटिक रबर्स एंड ब्रेडेड फैब्रिक और वायर, हाउस फैब्रिकेटेड
सिर्फ सिंथेटिक रबर इन लेयर्स ऑफ सिंथेटिक रबर एंड ब्रेडेड फैब्रिक और वायर से मिलकर बनता है। वायर ब्रेडेड इज फॉर जहाँ पे हाई प्रेशर की जरूरत है वहाँ वायर ब्रेडेड हाउस यूज होता है। द इनर लेयर ऑफ फर्स्ट मस्ट बी कम्फर्टेबल विद द फ्लूइड बीइंग यूज्ड। जो हम हाउस यूज करते हैं उसका जो इनर लेयर है जो हम ऑयल यूज करते हैं उसके साथ कम्फर्टेबल होना चाहिए। जैसे मान लिया हम लोग यूज करते थे वार्निश के लिए, तो वार्निश के लिए अलग हाउस आएगा और कार्बन फ्री हाउसेस है उसके लिए मटेरियल अलग रहेगा। जो नॉर्मल हाउस है हाइड्रोलिक सिस्टम है जो उसके लिए अलग रहेगा। जहाँ टेम्परेचर का रेंज ज्यादा रहेगा वहाँ पे अलग रहेगा। तो इनर लेयर के साथ कम्फर्टेबल होना चाहिए। द आउटर लेयर यूजुअली ऑफ रबर टू प्रोटेक्ट द ब्रेडेड लेयर। आउटर लेयर जो रबर का होता है जो ब्रेडेड लेयर को प्रोटेक्ट करता है। द हाउस मे हैव एज यू वाज थ्री लेयर वन बीइंग ब्रेड और मे हैव मल्टीपल लेयर्स डिपेंडिंग अपॉन ऑपरेटिंग प्रेशर। ऑपरेटिंग प्रेशर के हिसाब से मल्टीपल लेयर आता है। व्हेन देयर आर मल्टीपल वायर लेयर दे मे अल्टरनेट विद रबर लेयर। अब जहाँ पे मल्टीपल वायर लेयर होता है वो अल्टरनेट रबर के साथ हाउस लगा रहेगा और वायर लेयर्स मे बी प्लेस डायरेक्टली ओवर वन अनदर और वायर लेयर्स एक दूसरे के ऊपर डायरेक्टली चेंज होता रहेगा, प्लेस होता रहेगा। फिटिंग्स फॉर हाउस आर एसेंशियली द सेम एज फॉर ट्यूबिंग। जो हाउस का फिटिंग है एसेंशियली ट्यूबिंग के हिसाब से रहता है। कपलिंग्स आर फैब्रिकेटेड ऑन द एंड्स ऑफ मोस्ट हाउस दाउ देयर आर रियूजेबल स्क्रू ऑन और क्लैंप ऑन कनेक्ट्स। इट इज यूजुअली डिजायरेबल टू कनेक्ट द हाउस एंड विद यूनियन टाइप फिटिंग्स व्हिच हैव फ्री टर्निंग नट। जो हमको सीबल नट भी बोलते हैं जो फ्री टर्निंग नट के साथ लगा रहेगा जिससे कि हम कहीं टाइट कर दे। यूनियन इज यूजुअली इन द मेटिंग कनेक्टर बट मे बी बिल्ट इनटू द हाउस कपलिंग। यूनियन का यूजुअली मेटिंग कनेक्टर जैसा रहता है यूजुअली इन द मेटिंग कनेक्टर में रहता है बट मे बी बिल्ट इनटू द हाउस कपलिंग। हाउस कपलिंग में भी बिल्ट हो सकता है। शॉर्ट हाउस मे बी स्क्रूड इनटू अ रिजिड कनेक्शन एट वन एंड बिफोर द अदर एंड इज कनेक्टेड। अभी एक शॉर्ट हाउस है उसमें हम फिक्स भी रख सकते हैं और एक साइड में स्विवल भी रख सकते हैं। जनरली दोनों साइड स्विवल नहीं रखते हैं क्योंकि उसको फिटिंग आसान रहता है। हाउस मस्ट नेवर बी इंस्टॉल्ड और ट्विस्टेड। जब भी हाउस लगाते हैं तो उसको हम कभी ट्विस्ट नहीं करते हैं एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन। रब नहीं होने देते हैं जिससे इसकी लाइफ कम हो जाएगी। अगर ट्विस्ट कर देते हैं तो पहले से प्रेशर में आ जाता है जिससे वो तुरंत फेल हो जाएगा। अभी देखिए हाउस के कंस्ट्रक्शन दिखा रखा है। द आउटर लेयर सिंथेटिक रबर यूज टू प्रोटेक्ट करने के लिए है। द सेकंड लेयर ऑफ वायर और क्लोथ ब्रेड ब्रेडेड है। उसके बाद फिर देखिए ये एक लेयर फिर से आ गया। फिर उसके बाद ये एक लेयर है फॉर हाई प्रेशर एडिशनल ब्रेडेड लेयर्स आर यूज्ड। हाई प्रेशर के लिए यूज होता है। द इनर लेयर इज मटेरियल कंपेटेबल विद द हाइड्रोलिक फ्लूइड। जो भी यही इंपॉर्टेंट है जिससे हमारा मटेरियल का फ्लो होता है। ये जो भी मटेरियल यूज करते हैं उसके साथ कंपेटेबल होना है। फ्लेक्सिबल हाउसेस प्रेशर एंड फ्लो कंसिडर। जब भी हम फ्लेक्सिबल हाउसेस की बात करते हैं तो उसमें प्रेशर और फ्लो का कंसिडरेशन होता है। कितना हमको फ्लो चाहिए उस हिसाब से उसका साइज डिसाइड होता है और प्रेशर के हिसाब से रेटिंग डिसाइड होती है। इन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स रिकमेंड अ सेफ्टी फैक्टर ऑफ लिस्ट 4:1 एंड एज मच एज 8:1 इन प्रेशर कैपेसिटी। सेफ्टी फैक्टर 4:1 लेके चलते हैं और ज्यादा 8:1 लेके चलते हैं। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है? बस्ट प्रेशर पर वर्किंग प्रेशर। इफ प्रेशर फ्रॉम 0 to 1000 PSI तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी 8:1 ले चलते हैं। इफ प्रेशर इज फ्रॉम 1000 to 2500 PSI तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी 6:1 लेते हैं। इफ प्रेशर इज मोर देन 2500 PSI देन फैक्टर ऑफ सेफ्टी विल बी 4:1 इज रिकमेंडेड। इन एनी नॉमिनल साइज ग्रेटर द शेड्यूल नंबर द थिकर द वॉल थिकनेस एंड हायर द बस्ट स्ट्रेंथ। जैसे शेड्यूल साइज बढ़ेगा क्या होगा? शेड्यूल नंबर द थिकर द वॉल थिकनेस बढ़ जाएगा एंड हायर द बस्ट स्ट्रेंथ। बस्ट स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगा तभी तो जाकर वो हाई प्रेशर लेगा। सिंस द वॉल थिकनेस इंक्रीजेस द आईडी विल रिड्यूस एंड द क्रॉस सेक्शनल एरिया विल रिड्यूस एंड इंक्रीजेस। जैसे जैसे अभी भी है उल्टा है, जैसे हम आईडी कम करेंगे तो क्या होगा? फ्लो कैपेसिटी कम हो जाएगी। सो इट इज नेसेसरी टू द कंडक्टर एज द रिक्वायर्ड आईडी टू हैंडल द फ्लो एट रिकमेंडेड वेलोसिटी और लेस। जब भी हम सिलेक्शन करते हैं, जब भी हाउस सेलेक्ट करते हैं तो हमको रिकमेंडेड फ्लो एंड वेलोसिटी पे हमको सेलेक्ट करना है एज वेल एज द सफिशिएंट वॉल थिकनेस टू प्रोवाइड प्रेशर। वो प्रेशर भी झेलने वाला सेलेक्ट करना है। एक फिगर है नॉमोग्राफिक चार्ट दैट इट कैन बी यूज्ड टू सेलेक्ट। एक चार्ट मैं दिखा रहा हूं जिसे हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसमें जो दो चीज हमको मालूम रहेगा उसको लेके एक लाइन खींच देंगे, स्ट्रेट लाइन खींच देंगे और जहां कटेगा उसका हम सिलेक्शन करते हैं। जैसे मान लीजिए हमको नॉमिनल स्टैंडर्ड पाइप फ्लो हमको मालूम है, वेलोसिटी मालूम है, तो एक लाइन खींचेंगे यहां से, यहां जो भी लाइन आएगा जहां पे कट होगा वो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बीच में तीसरा होगा, मान लीजिए हम ये मालूम है और डायमीटर मालूम है तो लाइन खींचेंगे तो क्या वेलोसिटी आएगा उससे ये निकल जाएगा। इसे हम एक फैक्टर को निकाल सकते हैं। ये लिखा हुआ है द सेलेक्ट द प्रॉपर कंडक्टर द फ्लो रेट इज नोन। अगर मालूम है तो डिटरमाइन एग्जैक्टली व्हाट वेलोसिटी विल बी इफ द पाइप साइज एंड फ्लो रेट आर नोन। मान लो हमको वेलोसिटी क्या होगा और हमको पाइप का साइज मालूम है, फ्लो रेट मालूम है तो वेलोसिटी निकल जाएगा। अगर हमको दो वेलोसिटी मालूम है पाइप का साइज तो फ्लो रेट निकल जाएगा। चूज द चार्ट ले स्ट्रेट एज अक्रॉस द टू नोन वैल्यूज एंड रेट द अननोन ऑन द थर्ड कॉलम। पाइपिंग मैन्युफैक्चरर यूजुअली फर्निश डेटा ऑन प्रेशर कैपेसिटीज एंड साइजेज ऑफ देयर कंडक्टर के बेस पे हम मैन्युफैक्चर करते हैं। टिपिकल साइज में चार्ट इन सोन फिगर 2। फिगर 2 में हमने दिखाया है, इसके बेस पे वो लोग सिलेक्शन करता है। अब वाल्व का साइज, पाइप का शेड्यूल साइज, ट्यूब वुड इन वॉल थिकनेस। अब ये डिफरेंट डिफरेंट जीपीएम, माने जीपीएम मतलब फ्लो के हिसाब से दिया हुआ है, ये डिफरेंट फ्लो के हिसाब से दिया हुआ है। वाल्व का साइज क्या होता है, पाइप का शेड्यूल क्या रहेगा, ट्यूबिंग ओडी क्या रहेगा, थिकनेस ऑफ द थिकनेस ट्यूबिंग वॉल थिकनेस क्या रहेगा, सेफ्टी फैक्टर 6:2 तो अबव पिंच ट्यूबिंग वेल्ड फ्लेंज फिटिंग्स और फिटिंग्स हैविंग मेटल टू मेटल सील और सील्स दैट सील विद प्रेशर आर
रिकमेंडेड। अभी हम आते हैं कंसिडरेशन ऑफ मटेरियल। इफ कॉस्ट इज नॉट प्रोहिबिटिव, ट्यूबिंग इज प्रेफरेबल ओवर पाइप। अगर हमको कॉस्ट नहीं देखना है तो जो ट्यूबिंग है पाइप के ऊपर हम प्रेफर करेंगे, बेटर सेलिंग के लिए एंड कन्वीनियंस टू यूज एंड क्विक सर्विस, क्विक सर्विसबिलिटी के लिए और बेटर यूज करने के लिए। फ्लेक्सिबल हॉल्स ऑल्सो नीड नॉट बी लिमिटेड टू मूविंग एप्लीकेशन। मूविंग एप्लीकेशन के लिए फ्लेक्सिबल हॉल का लिमिटेशन नहीं होना है। इट मे बी कंसिडरेबली मोर कन्वीनियंट इन शॉर्ट रन एंड हैज सम शॉक अब्सॉर्बिंग एबिलिटी। अब इसमें क्या रहता है कि शॉर्ट रन के लिए रहता है और शॉक अब्सॉर्ब करता है, वो रबर का पार्ट है। हाइड्रोलिक फिटिंग शुड बी स्टील, हाइड्रोलिक फिटिंग जो स्टील का होना चाहिए, एक्सेप्ट फॉर इनलेट रिटर्न और ड्रेन लाइन वेयर मैलेबल आयरन मे बी यूज। इनलेट में, रिटर्न लाइन में, ड्रेन लाइन में मैलेबल आयरन का भी यूज कर सकते हैं। गैल्वेनाइज पाइप और फिटिंग शुड बी अवॉइडेड एज जिंक्स कैन रिएक्ट विद सेम एलोडेटिव। हमने रेड इसलिए कर दिया है कि गैल्वेनाइज पाइप फिटिंग अब यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये रिएक्ट विद सेम सम एलोडेटिव के साथ रिएक्ट करता है। उसी है कॉपर ट्यूबिंग ऑल्सो शुड बी अवॉइडेड एज वाइब्रेशन इन द हाइड्रोलिक सिस्टम, क्योंकि हाइड्रोलिक सिस्टम में प्रेशर सर्जेज होता है तो वाइब्रेशन होता है। कैन वर्क हार्डन द कॉपर एंड कॉज क्रैक। क्या होता है, कॉपर हार्डनिंग प्रॉपर्टी होती है तो कॉपर हार्ड हो जाएगा और क्रैक शुरू हो जाएगा। एट द फ्लेयर कॉपर ऑल्सो डिक्रीजेज द लाइफ ऑफ द, कॉपर भी ऑयल का लाइफ कम करता है। तो इसके साथ ही ये चैप्टर आज मैं खत्म करता हूँ। मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके अलावा बेल आइकन दबा दें जिससे कि नेक्स्ट जब मैं कुछ और डालूँ तो आप लोग को मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।